खबर कोरिया जिले के ग्राम जनकपुर से है, जहां एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से दर्दनाक घटना घटित हुई है। दरअसल स्टेट हाईवे के समीप आज दोपहर लगभग 12 बजे एक ट्रैक्टर चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्टेट हाईवे के बगल में बने एक घर में जा घुसा, जिससे एक माह की अबोध बच्चे की मौत हो गई, जबकि घर के समीप में बने खलिहान में काम कर रही लगभग 60 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना से आक्रोशित होकर ग्रामवासियों के द्वारा वाहन चालक और उसके एक सहयोगी को घटनास्थल में ही रस्सी से बांधकर मारपीट की जा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली बैकुंठपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को समझाइश देते हुए ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। घायल महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पूरे मामले की जाँच कोतवाली पुलिस के द्वारा की जा रही है। आज दिन में एक ट्रैक्टर चालक द्वारा यहाँ ग्राम जनकपुर थाना बैकुंठपुर क्षेत्र में दुर्घटना कारित किया गया है, जिसमें एक माह के बच्चे और महिला की मृत्यु हो गई है। अभी आरोपी चालक के विरुद्ध पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई अपराध पंजीबद्ध करके की जा रही है।